आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के ग्राम पंचायत गुराड़िया झाला में पिछले एक महीने से चल रहा हाई प्रोफाइल ड्रामा सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के साथ आज थम गया है। अब 6 महीने के बाद दोबारा उपचुनाव होंगे। इस दौरान 6 महीने का कार्यकाल वार्ड पंच के हाथों में रहेगा। निर्वाचन अधिकारी रामअवतार मीना ने बताया कि कुल 11 वार्ड पंचों में से 10 वार्ड पंचों ने सरपंच के विरुद्ध वोट किया। वही बहुमत सिद्ध करने के लिए सरपंच को 3/4 बहुमत की आवश्यकता थी, जिसको सरपंच रेखा मेहर हासिल नहीं कर पाए। इस दौरान इस मामले में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, जिसमें 3 वार्ड पंचों की 3 संतान के मुकदमे से लेकर अपहरण के मामले भी दर्ज हुए। हालांकि सरपंच रेखा मेहर का कोई पैंथरा काम नहीं आया। अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही के दौरान DYSP प्रेम कुमार के नेतृत्व में 3 थानों का जाप्ता मौजूद रहा। हालांकि सरपंच को गिराने के बाद 6 महीने का कार्यकाल किसके पास रहेगा, यह निर्णय फिलहाल नहीं हो पाया। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन आनू की रिपोर्ट। तो कितने लोगों ने वोट किया है? वोट 10 लोगों ने किया है और 10 ने ऐसा प्रस्ताव के पक्ष में दिया है। एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था जिसमें 3 वार्ड पंचों के विरुद्ध 3 संतान का कोई मामला था, इसमें क्या उनको वोट दिलाया गया या नहीं दिलाया गया? क्या वोट दिलाया गया? 3